हाल ही में किस संगठन की रिफ्यूजी एजेंसी कमिश्नर फिलिपो ग्रांडी के मुताबिक विश्व में हर 96वां इंसान बेघर है? तो इसका सही आंसर है संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र संगठन की रिफ्यूजी एजेंसी कमिश्नर फिलिपो ग्रांडी के अनुसार विश्व का हर 96वां आदमी बेघर है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसका सबसे बड़ा कारण लोगों के बीच में जो विदेशी और अपने देशों में जो लड़ाइयाँ लड़ी जा रही हैं और उनके बीच संसाधन और भी कई सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से इंसान लगातार बेघर होता चला जा रहा है। तो हमें इस रूप में भी इस चीज़ पे भी काम करना चाहिए, सोचना चाहिए कि हर एक व्यक्ति के लिए अगर हम पॉसिबल नहीं कर सकते हैं, हमारे पास अच्छे संसाधन हैं, हमारे पास अच्छे पैसेंस हैं और हमारे पास अच्छा बिजनेस है, अच्छे पैसे हैं, तो हम हर व्यक्ति के लिए रहने के लिए कहीं ना कहीं उसके लिए एक घर की व्यवस्था करनी चाहिए। हमें ही नहीं, सबसे पहले गवर्नमेंट को इस बारे में जानकारी देनी चाहिए और गवर्नमेंट को इस चीज़ में रुचि रखनी चाहिए कि कौन कौन से व्यक्ति संसार में बेघर हैं। अपने देश की जानकारी रखनी चाहिए, विदेशों के लोग विदेशों की जानकारी रखें ताकि समाज में जो भी व्यक्ति आजकल बेघर है वो अपने घरों में रहना शुरू कर दे, क्योंकि उनका कोई घर नहीं है, उनका ना तो वर्तमान है और ना ही कोई भविष्य है। तो उनको एक घर देकर संसार की सबसे बड़ी उपलब्धि में नाम अर्जित किया जाए। सबसे अधिक लोग सीरिया में 1.1 करोड़ लोग बेघर हैं, जो कि विश्व का 45% है। सीरिया जो कि आतंकवादी देश है, वहाँ पे लगातार आत्मघाती हमले होते रहते हैं, तो सीरिया के पास डेवलप करने के लिए कुछ बचा नहीं है, इसलिए वहाँ पे ना तो लिटरेसी रेट अच्छी है और वहाँ पे पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, इसलिए लोगों के पास बेघर होने का एक ही साधन है।